कांग्रेस ने 2014 में जब सत्ता छोड़ी तो डीजल पर केंद्रीय एक्साइज शुल्क 3 रुपया 56 पैसे लीटर था, आज कम करने के बाद भी वो 28 रुपया प्रति लीटर है। तो अगर आप इसे 2014 के और उस समय कच्चे तेल की कीमत $108 प्रति बैरल थी, आज $80 प्रति बैरल है। अगर आप कांग्रेस के बराबर भी कर दें तो 24 रुपया लीटर तो डीजल कम हो जाएगा। पेट्रोल पर केंद्रीय कांग्रेस शुल्क केंद्रीय एक्साइज शुल्क 9 रुपया 48 पैसे प्रति लीटर था जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी, और आज कम करने के बावजूद भी वो लगभग 29 रुपया लीटर है। तो 21 रुपया लीटर पेट्रोल कम हो जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार के बराबर कर दें तो। कांग्रेस ने आखिरकार जमीन पर उतरकर जनता के बीच संघर्ष करने का मन बना लिया है। 14 नवंबर से पार्टी महंगाई के मुद्दे पर जनता के बीच जा रही है। कांग्रेस कार्य समिति के फैसले के अनुरूप पार्टी ने एक हफ्ते की एक आंदोलन की योजना बनाई है, और इस योजना के तहत कांग्रेस के जिला स्तर से शीर्ष स्तर के नेता लोगों के बीच में जाएंगे और महंगाई के सवाल पर उनसे संवाद स्थापित करने की कोशिश करेंगे। सभी माननीय कांग्रेस के लीडर्स 14 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में 7 दिन की पदयात्रा करें। ये जरूरी नहीं कि एक बार में ही लगातार 7 दिन में करें, दो दो तीन तीन दिन के बाद भी वो कर सकते हैं, लेकिन प्रयास इस प्रकार का करें कि वे इन 15 दिन में 7 दिन की पदयात्रा करें और रात को वहीं रुकें। पब्लिक मीटिंग्स नहीं होंगी, चर्चा होगी, ग्रुप मीटिंग्स होंगी और लोगों से एक जीवित जनसंपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। इस पूरी आंदोलन की रूपरेखा को तैयार किया गया है और इसके अगुवाई दिग्विजय सिंह करने वाले हैं। उन्हीं के नेतृत्व में एक कमेटी बनी है जो इस पूरे आंदोलन को जमीन पर उतारने की कोशिश करेगी। देखना यह होगा कि इस पूरे आयोजन में किस तरह से कांग्रेस एक बार फिर जनता के बीच में अपनी छवि, नई छवि बनाती है। आपको मालूम है कि पेट्रोल, डीजल और खाद्य तेलों की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने पहले भी कुछ इस तरह के आंदोलन सड़कों पर किए थे, पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन किए गए थे कुछ जगहों पे, लेकिन अब ये इस आंदोलन को एक बड़े रूप में कांग्रेस करने जा रही है। और कांग्रेस को ये चिंता इसलिए हुई क्योंकि हाल के दिनों में कांग्रेस को ये समझ में आने लगा था कि उसका जनता से कनेक्ट खत्म हो चुका है और इसको रिवाइव करने के लिए उनके बीच में उनके मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी, और इसीलिए आज इस बारे में कांग्रेस ने अंतिम रूप से फैसला किया। बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर हमें जनमानस के बीच में जाने की आवश्यकता है, और हम लोग सीनियर लीडर्स से, जो स्टेट के लीडर्स हैं, उनसे ये अनुरोध कर रहे हैं कि वो 7 दिन हर ज़िले में एक एक दिन का वो अगर पदयात्रा करें तो उससे एक पूरे प्रदेश में इस प्रकार का एक संपर्क भी स्थापित होता है और हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन भी होता है। इस पूरे कार्यक्रम को ठीक ढंग से करने के लिए पार्टी ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखा है। कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस और जरूरी सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं, और इस मुद्दे पर जनता से संवाद करने के लिए वो बीच में जा रही है, जनता के बीच। यह पूछे जाने पर कि केंद्र ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करके राहत दी है लेकिन कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान ने अभी तक कीमतें नहीं घटाई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ठीकरा केंद्र सरकार के ऊपर ही फोड़ दिया। सुरजेवाला ने क्या कहा और किस तरह से उन्होंने मोदी सरकार को इस पूरे महंगाई के लिए कसूरवार ठहराया है और ख़ासतौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों के लिए केंद्र सरकार को कसूरवार बताया है, सुन लीजिए। जो प्रांतों का वैट है वो केवल 8 से 12% ही है पेट्रोल डीजल की कीमत का,
इसलिए उसमें 50 पैसे एक रुपया कम करने का बहुत ज्यादा 2-4 रुपये का अंतर हो सकता है। जिस दिन मोदी जी 23 लाख करोड़ की लूट जो वो 7 साल में कर चुके पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज की वसूली से, वो सरदार मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी और कांग्रेस की सरकार के बराबर कर देंगे। इस देश में पेट्रोल की कीमत 40 से 45 रुपया 50 रुपया लीटर और डीजल उससे 5 से 10 रुपया सस्ता हो जाएगा। महंगाई के अलावा कांग्रेस बेरोजगारी और ऐसे तमाम मुद्दों पर जनता के बीच में अब बारी बारी से जाने की प्रतीक्षा कर रही है, जाने की योजना बना रही है। और दिग्विजय सिंह ने आज बताया है कि किस तरह से कांग्रेस इस योजना को आगे जमीन पर उतारेगी। सेलिंग ऑफ एसेट्स, ऑल दैट विल बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम।